शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी, रास्ते में फंसे ऑफिस जाने वाले लोग। आलम यह है कि दफ्तर लेट पहुंच रहे हैं, राजधानी की सड़कों पर जगह जगह इकट्ठा हो गया है पानी। ऐसे में जो सुबह दफ्तर जाने वाले लोग हैं उन्हें खासी दिक्कत आ रही है। 22 गोदाम, सहकार मार्ग, टोंक रोड, रामबाग चौराहा, सी स्कीम, सोडाला, मानसरोवर, जेलन मार्ग सहित कई जगहों पर बारिश हो रही है और तेज हवाओं के साथ हो रही इस बारिश से मौसम काफी सुहावना हो गया है। मौसम में ठंडक आ गई, लेकिन सुबह सुबह हुई इस झमाझम बारिश से दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में हुआ ये कि सुबह से ही जो झमाझम बारिश हो रही इससे मौसम सुहावना हो गया और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया कि अगले 48 घंटे इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया है। जयपुर में जब मेघदूत आया तो हालात क्या रहे, जरा आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। यह भी एक तस्वीर है जो उन दावों की पोल खोलती है जो कहे जाते हैं कि जब बारिश होगी, पहली बारिश, तो उससे निपटने के सारे उपाय। लेकिन अभी तो पहली बारिश भी नहीं आई, अभी तो मानसून भी नहीं आया। ये तो एक तरीके से प्री मानसून इसे कहा जाएगा, क्योंकि मानसून आने में अभी देरी है। 1 जुलाई से आएगा प्रदेश में मानसून, लेकिन उससे पहले ही जो बारिश हो रही है उस बारिश से निपटने के क्या बंदोबस्त हैं वो जरा आप इन तस्वीरों में समझिए। झमाझम बारिश हुई और पहली ही बारिश का हाल ये है कि जलभराव की स्थिति आ गई। सुबह दफ्तर जाने वाले लोग भी दफ्तर लेट पहुंच रहे हैं। वजह यह है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जलभराव की स्थिति है, झमाझम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और बीच रास्ते में फंसे हुए हैं दफ्तर जाने वाले लोग। हर जगह जयपुर का यही हाल है। राजधानी की सड़कों पर जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया है। 22 गोदाम, सहकार मार्ग, टोंक रोड, रामबाग चौराहा, कहीं की भी बात करिए, सी स्कीम, सोडाला, मानसरोवर, जेलन मार्ग सहित कई जगहों पर बारिश हो रही है और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर उन दावों का क्या हुआ जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि जब बारिश होगी तो उससे निपटने के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अभी तो मानसून भी नहीं आया, अभी तो ये एक तरीके से प्री मानसून कहा जाएगा, क्योंकि मानसून 1 जुलाई से आना है। लेकिन उससे पहले ही जलभराव की स्थिति ने किस तरीके से जयपुर की रफ्तार को थाम दिया है वो जरा आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तस्वीर, पानी भरा हुआ है, लोग निकले तो निकले कैसे, जाम लग गया है, ऐसे में दफ्तर पहुंचने वाले भी लेट पहुंच रहे हैं। ये आप देखिए किस तरीके से जलभराव हुआ, उसके बाद नाले की तरह ये सड़क नजर आने लगी है और इस जलभराव से ये गाड़ियां निकल रही हैं। फोर व्हीलर तो निकल सकता है लेकिन बाइक कैसे निकलेगी, लिहाजा दफ्तर पहुंचने वाले लोग भी दफ्तर देरी से पहुंच रहे हैं। यह हाल सी स्कीम, सहकार मार्ग, सोडाला, मानसरोवर, हर जगह का है। यूं समझ लीजिए कि पहली बारिश ने जयपुर की रफ्तार को थाम दिया। लेकिन सवाल यह है कि उन दावों का क्या हुआ जो बड़े बड़े दावे नगर निगम की तरफ से किए जा रहे थे कि मानसून से निपटने के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, तमाम तैयारियां की गई हैं, बैठक दर बैठक होती रही, लेकिन अभी तो मानसून आया भी नहीं। और उससे पहले ही हाल यह है कि पहली बारिश हुई है और पहली बारिश में ही सड़कों पर जलभराव की स्थिति, जगह जगह जाम की स्थिति, नतीजतन लोग जो सुबह दफ्तर के लिए निकले उन्हें दफ्तर पहुंचने में देरी हो गई। सड़कों पर आप देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। पहली तस्वीर में पानी भरा हुआ है, गाड़ियां बमुश्किल निकल पा रही, और दूसरी तस्वीर है लोग बारिश से बचने के लिए, जलभराव से बचने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि बारिश थमे, पानी थोड़ा सा निकले, उसके बाद हम अपने दफ्तर को पहुंचे। और सीधा रुख करेंगे मेघा कौशिक इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ, हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। मेघा, सुबह से या यूं कहें कि देर रात से जिस तरीके का माहौल बन रहा था और सुबह हम देख रहे हैं झमाझम बारिश हुई है, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जलभराव की स्थिति और दूसरी तस्वीर में लोग जाम में फंसे हुए हैं, दफ्तर पहुंचने में उन्हें देरी हो रही है। आप इस वक्त जहां पर हैं वहां का नजारा क्या है? बिल्कुल अनूप, इस वक्त मैं सुदर्शन नगर औद्योगिक क्षेत्र में खड़ी हुई हूँ और यहाँ आपको मैं दो नज़ारे दिखाऊंगी। एक तरफ जाम लगा हुआ है, जो लोग ऑफिस के लिए निकल रहे थे, हालांकि सबसे पहले अपडेट ये है कि बारिश जो है वो अब रुक चुकी है, थम चुकी है 1-1.5 घंटे बाद।
और अब जो लोग हैं वो निकलना शुरू कर रहे हैं। जाम आप देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत जाम अब खुल गया है, इससे भी ज़्यादा जाम पहले लगा हुआ था, लेकिन अभी भी लोग गाड़ियां जो हैं लगातार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर हम अब आपको दिखाते हैं, वो है यहाँ पास में बहते हुए नाले की। एक डेढ़ घंटा बारिश होते हुआ है, लेकिन इसमें ही नाला इतना भर चुका है, पानी बह रहा है, बहाव आ रहा है, और आप देख भी सकते होंगे कि ये कितना खतरनाक है। कुछ पहले समय की बात है, कुछ समय पहले की बात, यहीं इसी नाले में एक गाड़ी में एक लड़का डूब के बह गया था, और ये वही नाले की स्थिति अब यहाँ नज़र आ रही है, उफान पे नज़र आ रहा है। जबकि अनूप ये देखिए कि बारिश बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, एक डेढ़ घंटा हुई है, और उसके बाद भी अब यहाँ से जब नाले के पास से लोगों को निकलना पड़ रहा है तो देखिए कितना खतरनाक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बता रही कि किस तरीके की तैयारी, लेकिन मेघा फिर भी ये तो एक जगह का हाल है, और जगहों की क्या स्थिति है? क्या सड़कों पर वहां भी जलभराव इसी तरीके का देखा गया? बिल्कुल अनूप, सड़कों पे जो है मेन रोड्स की बात करें तो वहाँ पे इस तरह की स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर अंदर के क्षेत्रों की बात करें, जयपुर के उन इलाकों की, जैसे सिटी की बात कर ली जाए या मानसरोवर की बात कर ली जाए, या फिर अभी जिस जगह पे हम सुदर्शन नगर औद्योगिक क्षेत्र जहाँ खड़े हैं वहाँ की बात कर ली जाए, तो अंदर के क्षेत्रों में ये स्थिति अब देखने को मिलेगी ही। बारिश के बाद राहत तो मिलती ही है, लेकिन एक समस्या जो यहाँ जयपुर वासियों के लिए खड़ी होती है वो समस्या होती है पानी भराव की, जल भराव की समस्या, और उससे अब लोगों को जूझना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें भी वही बयां कर रही हैं, हालांकि यहाँ काफी लोग भी खड़े हुए हैं, वो भी इसको देख रहे हैं, क्योंकि ये एक देखने वाली चीज लोगों के लिए बन जाती है, मनोरंजन बन जाता है कि किस तरह से यहाँ पे जो है। बिल्कुल, अगर मेघा संभव हो तो कुछ लोगों से बात करिए कि इस बदले हुए मौसम के मिजाज पर उनका क्या कहना, चूंकि पिछले दिनों भीषण गर्मी थी, उमस से लोगों का जीना मुहाल था, लेकिन अब चूंकि मौसम सुहावना हो गया है, झमाझम बारिश से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। बिल्कुल, तो अनूप कल से ही जो है यहाँ बारिश हो रही है, थोड़ा रुक रुक के, कल भी काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश थोड़ी बहुत हुई थी, और आज सुबह से ही यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन अभी हालांकि आपको अपडेट दे दें कि कोई बारिश नहीं हो रही है, बारिश अब रुक चुकी है, लेकिन काफ़ी लोग जो है यहाँ पे बारिश के मज़े लेते हुए दिखाई दिए थे। अब उनसे पूछते हैं, आप बताएं, आप जो दो दिन बारिश हुई है काफ़ी गर्मी के बाद, कितना राहत दे रही है? बहुत राहत मिली हुई है, राहत मिली हुई है, और बहुत आराम से काम हो रहा है, बरसात से लोगों को राहत मिली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ऑफिस टाइम होता है, लोग काम के लिए निकलते हैं, आप भी काम के लिए निकल रहे होंगे? नहीं जी, अभी तो घर पे बैठे हैं सब। घर पे? अच्छा, तो मौसम का मजा ले रहे हैं? जी, अभी तो सब घूम रहे हैं ऑटो पे, बाइक पे, सब इसीलिए मजा ले रहे हैं। इतना बारिश पहली बार देख रहे हैं हम लोग जयपुर में। जयपुर में बारिश का ये मजा ले रहे हैं, क्योंकि अनूप जाहिर सी बात है कि जो लोग काम पर निकल रहे हैं उन्हें तो समस्या हो रही है, लेकिन जो घर में है उनके लिए तो ये मनोरंजन की बात हो गई, राहत की बात हो गई। लेकिन मेघा, चूंकि अभी तो मानसून नहीं आया, अभी हम इसे प्री मानसून कह रहे हैं, और प्री मानसून की भी ये पहली बारिश है, लेकिन नगर निगम जिस तरीके के तमाम दावे करता रहा है कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं अगर बारिश होगी तो उससे निपटने की, लेकिन ये स्थिति तो आज धराशायी होती हुई नजर आई है, पहली बारिश में सड़कों पर अगर जल भरा हुआ तो। बिल्कुल अनूप, ये एक स्थिति हर बार की होती है, जयपुर में हर बार देखने को मिलती है जब भी बारिश होती है, चाहे बारिश थोड़ी देर होती हो, लेकिन हर जगह हर बार यही जो स्थिति है वो नज़र आती है। और नाले का किस्सा मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि ये वही नाला है जहाँ कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले ही जब बारिश हुई थी, और उसी बारिश में पिछले साल एक गाड़ी थी वो बह गई थी, और 7 दिन बाद वो तलाश के बाद लड़का मिला था, वो गाड़ी मिली थी। और कारण क्या था? क्योंकि यहाँ नाला जो है वो उफान पे रहता है, बारिश होती है और उसी के साथ यहाँ पे जो खतरा है वो बढ़ जाता है, और अब वही स्थिति एक बार फिर से नज़र आ रही है। और ये तो नाला है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे जगहों की बात करें, शहर की बात करें, तो वहाँ भी पानी की समस्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अब नगर निगम इसको कैसे लेता है, क्योंकि अभी तो प्री मानसून ही है, मानसून अभी आया नहीं है, अगर ऐसे में एक डेढ़ घंटे की बारिश से ही इस तरह की परेशानी अगर नज़र आ रही है, जल भराव नज़र आ रहा है, तो आगे मानसून के लिए नगर निगम को सचेत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब
बिल्कुल मेगा तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और इन तस्वीरों के माध्यम से आप जरा समझने की कोशिश करिए कि जयपुर में जब झमाझम बारिश हुई तो दरअसल नजारा कैसा था। यह नजारा दरअसल उन दावों की पोल भी खोलता है जो नगर निगम लगातार करता रहा है। बैठकों का दौर वहां चलता रहा और यही कहा गया कि जब बारिश होगी तो उस बारिश से निपटने के भी हमारे पास बंदोबस्त है। लेकिन तीन तस्वीरें हैं, जरा आप देखिए। पहली तस्वीर है, बारिश से बचने के लिए लोग पेट्रोल पंप के पास खड़े हैं जहां पर बारिश से बचा जा सके, लेकिन इस तरीके का नज़ारा कई और सड़कों पर भी दिखा है जहां पर लंबा जाम लग गया। दूसरी तस्वीर में आप देखिए सड़कों पर जलभराव की स्थिति किस तरीके से बनी है। और जो तीसरी तस्वीर है वो दरअसल उफनते हुए उस नाले की है जो बारिश के बाद ओवरफ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है, और लोग किस तरीके से इस बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं ये तो हम दिखा ही रहे हैं। लेकिन ये आप ट्रांसपोर्ट नगर की तस्वीरें देखिए, जलभराव की स्थिति यहाँ भी लगातार बनी हुई है और पानी सड़कों पर इस कदर भर गया है कि ऐसे में लोगों का निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब ऐसे में पहली बारिश का ये हाल है और अभी तो मानसून भी नहीं आया, गाड़ियों से तो निकला जा सकता है लेकिन जो बाइक पर चलने वाले हैं, स्कूटर पर चलने वाले हैं या पैदल चलने वाले हैं, वो आखिर इस सड़क से कैसे गुजरेंगे, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये श्री मोती डूंगरी की तस्वीर है और वहाँ बाहर सड़क पर जल भराव, इतनी तो बारिश भी नहीं हुई जितना पानी भर गया। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो दावे किए जाते हैं तैयारियों के, वो दावे तो यहाँ धराशायी हो गए क्योंकि सड़कों पर जिस तरीके से जल भराव हुआ है, जो पानी यहाँ पर लबालब भरा हुआ है, अब ये पानी जब सड़कों से निकलेगा उसके बाद ही जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल सकेगा और जो ट्रैफिक की परेशानी सुबह उठ खड़ी हुई उस परेशानी से निजात मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि दावे चूंकि बहुत सारे किए जा रहे थे, अब प्री मानसून में अगर ये हाल है तो जब 1 तारीख से मानसून आ जाएगा, जब ये बारिश नियमित रूप से होगी, सुबह शाम दिन भर बारिश होगी, तब स्थिति कैसी होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, सुदर्शन नगर, मोती डूंगरी और ट्रांसपोर्ट नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सुबह सुबह की पहली बारिश और पहली बारिश में ही हाल बेहाल हो गया, अभी तो मानसून सही से आया भी नहीं है। जब मानसून आएगा तब हाल क्या होगा ये समझा जा सकता है।